स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर बायोटेक क्लासेस। माय नेम इज रश्मि। बेटा आज हमारा नेक्स्ट लेसन जो होता है वो स्टार्ट होने जा रहा है। लेसन नहीं मतलब नेक्स्ट जो इसी लेसन का नेक्स्ट पार्ट, उसका नाम है बेटा फाइलम। फाइलम एंथ्रोपोडा का मीनिंग होता है बेटा, यानी ये क्या है, एनिमिलिया। और ये वो स्पीसीज है बेटा जो लार्जेस्ट फाइलम है। इन अर्थ के ऊपर इनके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं इंसेक्ट्स भी इनके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने बोला है कि वन जो थर्ड पार्ट होता है, यानी 1/3 जो हिस्सा होता है स्पीसीज का, कंप्लीट स्पीसीज का 1/3 पार्ट किन का मिलेगा, फाइलम एंथ्रोपोडा का ही मिलेगा हमें, ठीक है। आगे इन्होंने बोला है एंथ्रोपोडा से तो ऑर्गेन सिस्टम है, यानी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, ऑर्गेन। सेगमेंटेशन बताना भाई, अगर सभी बच्चों के पास एनसीईआरटी है तो प्लीज मुझे बताओ सेगमेंटेशन इनकी बॉडी की किस प्रकार होती है बेटा, बोलिए। ट्रिप्लो बाई मीन्स टू लेटरल पार्ट्स में डिवाइड, यानी सेम टू पार्ट्स में क्या हो, डिवाइडेड हो, ठीक है। आगे इसने बोला है अगर इनकी बॉडी बाइलेटरल है और इनका सेगमेंटेशन ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो इनकी बॉडी के ऊपर इनको हम बेटा कोहियोपेट्स एनिमल्स भी हो जाते हैं, ठीक है। आगे इन्होंने बोला है अगर ये कोहिलियोमेट्स एनिमल तो इनकी बॉडी जो एंथ्रोपोड्स जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी होती है वो किससे कवर्ड होती है बेटा, एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं सिटेटस, और ये लेयर क्या होती है बेटा, हार्ड होती है। और हर्ड होने के रीजन से ही जो एंथ्रोपोड की अपर बॉडी है वो क्या होगी, क्या हो जाएगी, कवर्ड हो जाएगी। अगर वो है कवर्ड तो इट विल बी प्रोटेक्टिव। आगे इसने बोला है इनका जो बॉडी का पार्ट है चिटिनस एक्सोस्केलेटन, हमने बोल दिया एक्सोस्केलेटन, स्केलेटन क्यों बोला था, कि ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट थे इसलिए स्केलेटन बोल दिया। आगे इसने बोला अगर ऑर्गन सिस्टम का बॉडी कंसिस्ट होती तो बॉडी,
consists of कितने पार्ट ऑफ मिनी का कंसिस्ट का कंसिस्टमेंट क्या हो जाएगा बेटा बटा हुआ होना बटा हुआ है इसे पार्ट्स में डिवाइडेड है थ्री पार्ट्स में हेड ठीक है थोरैक्स एंड एब्डोमेन ये इनकी बॉडी पार्ट्स है आगे बोला बेटा इसने रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स गिल्स की हेल्प से रेस्पिरेशन लंग्स की हेल्प से या गिल्स की हेल्प से गिल्स एंड कौन सा ऑर्गेनिज्म जो यूज करते हैं गिल्स का एक्वाटिक एंड एक्वाटिक एंड हमेराइन एंड लंग्स का ठीक है आगे इन्होंने बताया है सर्कुलेटरी सिस्टम किस प्रकार का होता है बेटा इनके अंदर कौन सा होता है ठीक है और इनके अंदर जो ओपन होता है वो कौन सा सिस्टम होता है ओपन सिस्टम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक है आगे इसने बोला है इनके बॉडी के अंदर एक सेंसरी ऑर्गन होता है बेटा उसको हम बोलते हैं एंटीना ठीक है और इसे किस प्रकार होता है बेटा इसका फिगर मान लीजिए हमने ले ली सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन लेकिन एक सेंसरी ऑर्गन होता है उसका नाम एंटीना है आइज है वो स्टेटोसोसिस है एंड बैलेंसिंग ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इनकी बॉडी के अंदर बैलेंसिंग कुछ ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं एक्सक्रीशन कौन से पार्ट के द्वारा किया जाता है मालफीजियन ट्यूबल्स के द्वारा एक्सक्रीशन प्रोसेस एक्सक्रीशन का मीनिंग तो पता होगा एक्सक्रीशन का मीनिंग होता है उसके द्वारा हम हमारी बॉडी का वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल सकते हैं यानी उसके द्वारा तो इनकी बॉडी में एक्सक्रीशन विद द हेल्प ऑफ मालफीजियन ट्यूबल्स ठीक है आगे रेस्पिरेशन प्रोसेस रेस्पिरेशन प्रोसेस किस प्रकार होते हैं भाई इंटरनली या एक्सटर्नली अगर वो आर्थ्रोपोड्स हैं तो ही बताइए उनकी बॉडी के अंदर अभी एनीवन किसी बच्चे ने बटरफ्लाई देखे हैं रिप्रोडक्शन फॉर्म में हाँ जी रिप्रोडक्शन फॉर्म में देखिए क्या रिस्पिरेशन है बेटा यहाँ पे रिप्रोडक्शन आएगा सॉरी फॉर दिस आई एम सॉरी माय मिस्टेक लिखा गया
रिप्रोडक्शन, इंटरनली या एक्सटर्नली? ऑफ कोर्स इंटरनली. अगर इंटरनली है तो कौन सी फॉर्म होगी? फर्टिलाइजेशन. ठीक है, और जो डेवलपमेंट होगी वो किस प्रकार होगी? अगर रिप्रोडक्शन फॉर्म इंटरनली है यानी फर्टिलाइजेशन हो रही है तो इसकी बॉडी के अंदर क्या होगी डेवलपमेंट प्रोसेस? दोनों ही होंगी बेटा, डायरेक्ट भी होगी और इनडायरेक्ट भी होगी. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. डायरेक्ट किसको बोलते हैं और इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट बोलते हैं बेटा लार्वा को. डायरेक्ट बोलते हैं जिसके अंदर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो विदाउट लार्वा फॉर्म. ठीक है, एग्जांपल्स देख लीजिए बेटा. जैसे इनके हनी बी है, इंसेक्ट हैं, ठीक है, ओविपोरियस भी होते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स इनके अंदर, ओविपोरियस विविपोरियस. ठीक है, अब एग्जांपल ले लीजिए जैसे बटरफ्लाई है, हाउस बी है, ये सब किसमें आते हैं बेटा? एंथ्रोपोड्स में आते हैं और कुछ इंसेक्ट भी इंक्लूड किए जाते हैं इनके. ठीक है, आगे हमारा आता है फाइलम मोलस्क. फाइलम मोलस्क क्या? अब एंथ्रोपोडा क्या थे बेटा? लार्जेस्ट फर्स्ट स्पीसीज में आते थे. ठीक है, और ये क्या है? सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड पार्ट में आते हैं एनिमल किंगडम के अंदर ही से. ठीक है, आगे इसमें बोला है एनिमल फाइलम के अंदर जो एनिमल मोलस्क का उनका पार्ट कौन सा है बेटा? सेकंड पार्ट है. ये मेराइन वाटर में भी पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर में, यानी इनकी हैबिटेट. हैबिटेट एक्वाटिक होंगे, यानी मेराइन एंड फ्रेश. अब इनका जो बॉडी सिस्टम है यानी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है इनका? ऑर्गेन, ऑर्गेन ये इनका बॉडी का, यानी ऑर्गेन्स भी प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी के अंदर. ठीक है बेटा, बाइलेटरल होते हैं. ठीक है, बाइलेटरल. ठीक है, सेगमेंटेशन ट्रिब्लोब्लास्टिक होती है. सेगमेंटेशन ट्रिब्लोब्लास्टिक. ठीक है, अगर ट्रिब्लोब्लास्टिक है बाइलेटरल में सिग्नल क्या होगी? पॉलियोमेट्स. ठीक है, आगे इसने बताया है कि इनकी भी बॉडी बेटा किस चीज के द्वारा होती है अकोर? CALCAEROUS. ये भी कार्ड दिए थे. अकेल शेल, इसके द्वारा इनकी बॉडी क्या होती है? कवर. ये भी एक हार्ड लेयर होती है बेटा. ठीक है, आगे इसने बताया इनका हेड होता है, मस्कुलर फिट होता है और विसर्जन हम्प होता है. इनकी बॉडी बांटी गई है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई है. ठीक है, तो उनके नाम क्या है? बॉडी कंसिस्ट क्या भाई? हेड, हेड तो इम्पोर्टेंट है एक ऑर्गेनाइज
मेन पार्ट, मस्कुलर फुट, मस्कुलर मीन्स मांसपेशी वाली, फुट उसके पाँव, डिसेसल हम, ये कहाँ पे यूज होता है बेटा? हम इसको बोलते हैं जैसे अकूबट जैसा, कहाँ पाया जाता है? फुट में, उनकी बॉडी के ऊपर। क्यों? क्योंकि वाटर की राजस्थान में क्या होता है बेटा, वो जो वाटर की अमाउंट होती है वो स्मॉल होती है और इसको अधिक वाटर की इंपॉर्टेंस होती है उनको। क्यों? इसलिए अपने हम के अंदर ये भोजन और एक वाटर को एब्जॉर्ब करके रख लेता कि इसको इंपॉर्टेंस में उस टाइम उसको ड्रिंकिंग कर ले, उसकी बॉडी को इंपॉर्टेंस उसी टाइम उसको ले। ठीक है, स्पंजी लेयर बनाते बेटा स्किन के ऊपर। ठीक है, विशेषण हम होता है स्पेस होता है हम के बीच में और उनके मेंटल इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी ऑफ द विच फीथर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट, यानी रेस्पिरेशन गिल्स की हेल्प से किया जाता है। रेस्पिरेशन किसकी हेल्प से? गिल्स। ठीक है, आगे से कहा अगर रेस्पिरेशन फॉर्म गिल्स की हेल्प से है तो इट विल बी फीडिंग रेडुला। रेडुला और इनके अंदर बेटा डेवलपमेंट होती है वो इनडायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट मीन्स लाभ है। जानवर को में ही पाया जाता है। हाँ जी, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एप्पल स्नेल है, पीरल है, ऑक्टोपस है, जैसे एप्पल पेल ऑक्टोपस। ऑक्टोपस की बॉडी किस प्रकार की होती है भाई, आपको पता हो तो? एनीवन? कुछ इस प्रकार होती है बेटा ऑक्टोपस की बॉडी, यहाँ पे आई होती है। ठीक है, इस प्रकार एक साइड में मान लीजिए यहाँ पे है उसकी आई, ऐसे होती है। ठीक है, और यहाँ से ही वो पार्ट्स में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। इस प्रकार हेड, ठीक है, मस्कुलर फुट, और ये क्या है उसका हम, इसको। ठीक है, आगे हमारा पार्ट आता है नेक्स्ट, फाइलम एक्टिनोडर्मेटा। एक्टिनोडर्मेटा मींस बेटा एक्टिनोडर्मेटा आपको पता है, तो वैसे बता देती हूँ लेकिन रीडिंग अच्छे से करवाऊंगी बेटा उसकर। ठीक है, मैंने आपको अगेन से रिपीट कर रही हूँ बेटा, मैं ऑनलाइन क्लासेस लगाती हूँ कहाँ पे, टीच मैट के ऊपर। अगर किसी बच्चे को नोट्स लेने हैं किसी बच्चे को, और हर एक मंडे को लेती हूँ रिटर्न टेस्ट, उसके साथ साथ आपको मार्क्स वगैरह की लिस्ट मिल जाएगी, अच्छे से नीट की होगी बेटा आपकी रिवीजन वगैरह, जो कुछ भी आपको मिलता है हर एक महीने का पोर्शन। ठीक है, और आपकी वहाँ पे फीस या एडमिशन की प्रोसेस भी वहीं पे होती है। अच्छे से अगर किसी को इंटरेस्ट है तो बेटा नीट के लिए, मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं नीट के लिए एम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो आई विल बी विश कि मैं मेरी तरफ से अच्छा देने की कोशिश बहुत अधिक से अधिक करने की ट्राई करूँगी कि अच्छा ही मिले स्टूडेंट्स को। ठीक है बेटा, ओके स्टूडेंट्स।